आपको शायद नहीं पता होगा कि बुखार क्यों आता है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह किसी भी बीमारी का लक्षण जरूरी हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बुखार आता क्यों है। सामान्य भाषा में समझे तो किसी वायरस बैक्टीरिया के बॉडी में प्रवेश करने पर बॉडी रिएक्ट करती है। उस रिएक्शन के प्रोसेस की वजह से बॉडी में गर्मी पैदा होती है, जिसे हम बुखार कहते हैं। बुखार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बस इतना बताता है कि आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है और एक्टिव है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि बुखार क्यों आता है। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग के एक्सपर्ट और मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता इसे आसान भाषा में समझाते हैं। जब कभी किसी को फुंसी होती है तो उसके आसपास लालीपन आ जाती है, सूजन हो जाती है। दरअसल उस जगह का सेल अटैक करता है और उस प्रोसेस से हीट पैदा होती है। इसीलिए जहां फुंसी होती है उसके आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है। यही चीज बुखार में भी होता है। जब शरीर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके रिएक्शन के वजह से शरीर में हीट पैदा होती है, जिसको हम बुखार कहते हैं। यही बुखार होता है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अश्मान कुमार का कहना है कि बुखार को हमेशा गलत न समझे। यह बताता है कि इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव है और चुनौती के लिए तैयार है। मुख्य रूप से बुखार आने की तीन वजह है। पहला इन्फेक्शन, दूसरा इन्फ्लामेटरी यानी जब शरीर की इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम करने लगे, और तीसरी वजह है न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर। इन्फेक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बताया कि मुख्य रूप से डेंगू, मलेरिया और इन्फेक्शन बुखार होता है, लेकिन पिछले तीन वर्षों से कोविड भी शामिल है, यानी अभी चार प्रकार के बुखार हो सकते हैं। बुखार में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, अपने मन से दवा ना ले। 101 फारेनहाइट से फीवर ज्यादा न हो तो कोई दवा ना ले। पैरासीटामोल भी ना ले। जब भी दवा ले तो एक डॉक्टर की सलाह जरूरी ले। स्टेराइड का इस्तेमाल ना करे। अगर कोई झोला छाप डॉक्टर दे रहा है तो सतर्क रहें, इससे नुकसान हो सकता है। कई बार बुखार आ जाता है लेकिन जांच में पता नहीं चलता है। ऐसे में अन्य संक्रमण यानी HIV जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए जाँच कराए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।